एक तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं और क्यों? है कोई जवाब? मैंने 23 दिन काम किया, तनख्वाह ली, टैक्स दिया, सेलफोन खरीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज किया, टैक्स दिया, डेटा कनेक्शन लिया तब टैक्स दिया, बिजली ली ये टैक्स दिया, घर लिया टैक्स दिया, टीवी फ्रिज लिए टैक्स दिया, कार ली टैक्स दिया, पेट्रोल लिया फिर टैक्स दिया, सर्विस करवाई तो टैक्स दिया, रोड पर चली फिर टैक्स दिया, टूल प्लाजे पर दोबारा टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया टैक्स दिया, गलती की तो टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स दिया, पार्किंग पर टैक्स दिया, पानी लिया इस पर टैक्स दिया, राशन खरीदा इस पर भी टैक्स दिया, कपड़े जूते किताबें ली उन पर भी टैक्स दिया, टॉयलेट गई इस पर भी टैक्स दिया, दवाई ली तो भी टैक्स दिया, गैस ली टैक्स दिया, सैकड़ों और चीजें ली और फिर टैक्स दिया, कहीं फीस दी तो कहीं बिल, कहीं किराया, कहीं जुर्माने तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसे देने ही पड़े। इस सब ड्रामे के बाद अगर गलती से सेविंग्स की मद में कुछ बचा लिया तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र मेहनत से काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए एमए नहीं एमपीए बन जाते तो मजे थे, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, बच्चों के लिए म्यारी स्कूल्स नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट्स खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल और सब्जियां जहरीली, अस्पताल महंगे, बल्कि हर साल महंगाई में इजाफा, बेतहाशा खर्चे, इसके बाद हर जगह लंबी लाइनें, आखिर सारा पैसा कहां गया? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों को हासिल मराद में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होकर कर्जे माफ करवाने में, स्विस बैंक्स में, लीडर्स के बंगले और कार्स में, अवाम को सब बाग दिखाने में और पनामा के हंगामे में, अब किसको जोर कहें? आखिर कब तक इस मुल्क के मजलूम अवाम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारते रहेंगे? मैं जितना वतन अजीज और इसकी गरीब अवाम के इस्तेसाल के मुतालिक सोचती हूँ तो खून के आंसू रोती हूँ, मगर अब वक्त आ चुका कि किसी शख्स से वाहिद की अंधी मोहब्बत और तकलीद के बजाय इस प्यारे मुल्क और इसकी गरीब अवाम के बारे में सोचा जाए। प्लीज इस वीडियो को शेयर करके मुल्क के एक एक फर्द तक पहुँचाएं और इस मिशन में अपना हिस्सा डालें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। गरीब पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद।